अजमेर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। अजमेर डिपो के ओर से आज से हरिद्वार के लिए सीधी बस सेवा शुरू की गई है। डिपो के मुख्य महाप्रबंधक रवि शर्मा ने रविवार को 1 बजे बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दिल्ली में BS4 मॉडल की बसों पर रोक के कारण NCR यानी भरतपुर, तिजारा, अलवर, मत्स्यंगा और धौलपुर से संचालित BS4 रोजवेज बसों को बदलकर BS6 बसें संचालित की जा रही हैं। अजमेर आगार को 2 और अजमेर आगार को 4 बसें मिली हैं। शनिवार को इन बसों को रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गए। रविवार को इनमें से पहली बस 12:30 बजे अजमेर से हरिद्वार के लिए रवाना हुई। अजमेर आगार के चीफ मैनेजर रवि शर्मा ने बताया कि कुल 67 बसें संचालित हैं। इनमें से 60 बसें BS4 और 7 बसें BS6 मॉडल की हैं। इनमें 4 नई बसें भी शामिल हैं। इस साल के अंत तक लगभग सभी बसें BS6 मॉडल की हो जाएंगी। ये क्या है? ये देखिए, हमारी हरिद्वार सेवा थी, पहले अनुबंधित गाड़ी चल रही थी, उसको अब रोडवेज ने खुद की गाड़ी से रिप्लेस कर दिया है। जो बजट घोषणा के तहत 550 जो गाड़ियां घोषणा में मिली है, उसमें से पहले लॉट में अजमेर डिपो को 6 गाड़ियां मिली है, तो दो गाड़ियां नियमित रूप से हरिद्वार चलेगी। क्या टाइमिंग रहने वाला है? टाइमिंग ये देखिए, डेली 1:15 बजे यहाँ से रवाना होगी दोपहर में। कब तक पहुँचेगी वहाँ पर? वो पहुँच जाएगी 2 बजे तक। 2 बजे राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से 8 सितंबर से 19 सितंबर तक सहायक आचार्य संस्कृत शिक्षा प्रतियोगी परीक्षा 2024 का आयोजन किया जाएगा। इस परीक्षा के लिए आवंटित जिलों की जानकारी रविवार को वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई। विद्यार्थी वेबसाइट के जरिए उन्हें आवंटित जिले की जानकारी हासिल कर सकते हैं। इस परीक्षा की शुरुआत 8 सितंबर को राजस्थान सामान्य ज्ञान विषय की परीक्षा से होगी। इसके बाद 19 सितंबर तक 15 ऐच्छिक विषयों की परीक्षाएं आयोजित की जाएगी। परीक्षा के प्रवेश पत्र 5 सितंबर को वेबसाइट और ACSO पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे। हर प्रश्न पत्र की OMR शीट के 5वें विकल्प को भरने के लिए 10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को परीक्षा आरंभ होने से 1 घंटे पहले तक ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा। कृष्ण जन्मोत्सव के बाद भी मंदिरों में दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। इसका कारण है कि अब भक्त राधा रानी का जन्मोत्सव मनाएंगे। 11 सितंबर को ठाकुर के मंदिरों में राधाष्टमी मनाई जाएगी। राधा रानी के प्राकट्य उत्सव की तैयारी में मंदिरों में भक्तों का तांता लग रहा है। नेथिएट कार्यक्रमों की श्रृंखला में जयपुर घराने के युवा कथक कलाकार रिदम कावा ने अपने भावपूर्ण कथक नृत्य से जयपुर घराने की शुद्ध कथक नृत्य की बारीकियों को दर्शाया। नेथिएट के राजेंद्र शर्मा राजू बताया कि सुप्रसिद्ध नृत्याचार्य पम कन्हैया लाल की चौथी पीढ़ी के कलाकार रिदम ने शुद्ध कथक ताल, थॉट, आमद, परन, फरमाइशी बातें, जयपुर कथक का फुटवर्क और चक्करदार तोड़ा की प्रस्तुति से जयपुर कथक को साकार किया। ज्ञात रहे कि रिदम कावा सुप्रसिद्ध कथक गुरु पम राजेंद्र राव के पोते हैं और इस कार्यक्रम की परिकल्पना भी उनकी है। कथक डांसर रिदम को बचपन से ही संगीत का माहौल मिला। यह उनकी प्रथम प्रस्तुति है। जवाहर कला केंद्र JKK की ओर से महान वास्तुकार चार्ल्स कोरिया के जन्मदिवस के अवसर पर संवाद प्रवाह का आयोजन किया गया। JKK, दी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स राजस्थान चैप्टर और अर्बन स्केचर्स जयपुर की ओर से आयोजित चर्चा सत्र में आर्किटेक्ट प्रण्यदीप, तुषार सोगानी, कॉन्ट्रैक्टर अशोक अग्रवाल और दिनेश चौधरी ने विचार रखे। JKK की अति महानिदेशक सुश्री प्रियंका जोधावत भी इस दौरान मौजूद रहीं। सभी वक्ता सभी विशेषज्ञ JKK के निर्माण कार्य में चार्ल्स कोरिया के साथ जुड़े रहे हैं। सत्र में बड़ी संख्या में आर्किटेक्ट व स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया। तुषार सोगानी ने कहा कि JKK आर्किटेक्ट्स के लिए विशेष महत्व रखता है। स्टूडेंट्स इस भवन की डिजाइन से वास्तुकला के विभिन्न पहलुओं को बारीकी से समझ सकते हैं। प्रण्यदीप ने बताया कि चार्ल्स कोरिया सही नहीं सर्वश्रेष्ठ की धारणा पर विश्वास रखते थे। इसी का परिणाम है कि उन्होंने JKK जैसा भवन तैयार किया जो पूरी दुनिया के लिए नजीर बन गया है। अशोक अग्रवाल ने बताया कि चार्ल्स कोरिया का JKK से इतना लगाव था कि इसे अपनी संतान के रूप संबोधित किया करते थे। उन्होंने जयपुर की चौपड़ प्रणाली से प्रेरणा लेकर हमारे पूर्वजों की वास्तुकला को JKK के रूप में पुनर्जीवित कर दिखाया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने सिटी पैलेस में डिप्टी CM दिया कुमारी से मुलाकात की।
कुमारी ने साफा पहनाकर प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर का स्वागत किया। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद मदन राठौर पहली बार कुमारी के निजी आवास पर पहुंचे हैं। मुलाकात के दौरान दोनों के बीच राजस्थान सरकार के कामकाज, प्रदेश में राजनीतिक परिस्थितियों, आगामी दोनों में प्रस्तावित 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार, साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है, खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है, हर रंग में ढला, कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक देश के हर हिस्से तक। ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।